टेररिज्म के ऊपर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लंबे समय से फोकस हमारा था, और एक बात उभर कर सामने आ रही थी कि ये रूट हथियारों के साथ साथ बड़े पैमाने पर नशीली चीज़ों का स्मगलिंग का भी एक रास्ता बना हुआ है। एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने के बाद आज सुबह एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके दौरान दो स्मगलर्स जिनका नाम मंजूर अहमद लोन और गुलाम मोहम्मद लोन, दोनों रहने वाले हैं बारामूला के, इनको एप्रिहेंड किया गया। इस एप्रिहेंशन के दौरान इनसे 13 किलो नार्कोटिक्स जो है बरामद किया गया, और साथ साथ 2 पिस्टल्स, 4 मैगजीन्स, 55 पिस्टल के राउंड्स, 4 हैंड ग्रेनेड्स और 10 डेटोनेटर्स बरामद किए गए। प्रिलिमिनरी पूछताछ के दौरान ये सामने आया है कि ये दोनों जो स्मगलर्स हैं, ये पाकिस्तान में बेस्ड जो टेररिज्म के सरगना है, जो हमारे कश्मीर वैली में हथियारों की स्मगलिंग करके यहाँ के यूथ को बहकाकर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, ऐसे जो हैंडलर्स हैं, इन हैंडलर्स के लोग टच में थे और इनके इशारों पर काम कर रहे थे। इस बारे में करालपुरा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर नंबर 51 अंडर सेक्शन 8/21 एनडीपीएस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बाकी धाराओं के तहत रजिस्टर किया गया है। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी और कुपवाड़ा पुलिस के कोऑर्डिनेशन की वजह से सफल हो पाया, और ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है पाकिस्तान बेस्ड नार्को टेररिज्म के हैंडलर्स के को, कि यहाँ के यूथ के को बहकाने के बीच में आपको यहाँ की आर्मी और यहाँ की पुलिस का सामना करना पड़ेगा। हम साथ साथ यहाँ की आवाम को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से टेररिज्म हमारी एक के बाद एक जनरेशन खराब कर रहा है, यह हम सबका दायित्व है कि नार्कोटिक्स को भी हम एक वॉर की तरह लड़े, एक वॉर की तरह समझें, और इस लड़ाई में पुलिस, आर्मी और यहाँ की आवाम हाथ में हाथ मिलाकर एक स्टैंड ले। इस ऑपरेशन के तहत जिन लोगों की अरेस्ट हुई है उनसे आगे पूछताछ और उनकी आगे इंक्वायरी जो है जारी है। जो भी आगे इसमें डिटेल्स आएंगे तो वो फर्दर आपके साथ शेयर किए जाएंगे।